अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अयाज अली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब कोई काइन जो है वो लंच होता है तो इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि इनकी कीमत 1-2 घंटों में 1000-2000 गुना जो है वो बढ़ जाता है। और जब ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे आते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, OKX, FTX वगैरह, बहुत से एक्सचेंजेस हैं, जब इन एक्सचेंजेस पे आते हैं तो उसकी कीमत जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो इन एक्सचेंजेस पे लंच होने से पहले हम इन कॉइन्स को कैसे ख़रीदेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया बीता वो पहले वीडियो में कि दो एप्लीकेशन का होना आप लोगों के पास लाजिमी है। कॉइन मार्केट कैप हो गया, ये दोनों एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप लोगों ने जाके वहाँ से जो है इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास तो ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा है ट्रस्ट वॉलेट। और ये ट्रस्ट वॉलेट आप लोगों ने भी इंस्टॉल करना है यहाँ से। तो मेरे पास तो दोनों एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल में मौजूद है। तो मैं सबसे पहले जो है ट्रस्ट वॉलेट पे जाता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पे हम अकाउंट जो है वो कैसे बनाएंगे, बस 1 मिनट में जो है उसमें अकाउंट जो है वो बन जाता है। और जो दूसरा कॉइन मार्केट कैप है, इसमें अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम जो है ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं और इसमें अपना जो है वो अकाउंट बनाते हैं। जब आप लोग ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो जो है वो खुल जाएगा। तो फिर आप लोग क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है उसको आप लोगों ने पढ़ना है। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई लॉस माई रिकवरी वॉलेट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस माई वॉलेट। इसका मतलब ये है कि दूसरे पेज पे अब हम जाएंगे तो इसमें जो है 12 वर्ड्स दिए जाएंगे। इस 12 वर्ड्स को आप लोगों ने याद रखनी है और इसको तरतीब से लिखने हैं अपने पास, और जिस तरतीब से वो दिए गए हैं। अगर आप लोग भूल जाए या तरतीब जो है वो ख़राब हो जाए आप लोगों से, तो फिर ये अकाउंट जो है वो आप लोगों से ज़ाया हो जाएगा। जितने भी रकम है इस ट्रस्ट वॉलेट में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये रिकवर नहीं होगा क्योंकि इसमें रिकवर का ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये विंडो जो है ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइवेसी ज़्यादा है। 12 वर्ड दिए गए हैं इस पेज पे और मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। तो इस 12 वर्ड्स को ये नीचे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस कॉपी पे क्लिक करनी है। तो ये 12 वर्ड जो भी है ये कॉपी हो जाएगा और अपने पास जो है ये 12 वर्ड इस तरतीब से लिखो और फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई रिकवरी फ्रेज ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस पेज पे आप लोगों ने जो तरतीब से दिए गए हैं पहले पेज पे, तो इस तरतीब से आप लोगों ने लिखनी है। मेरे पास तो पहले नंबर पे शॉप था तो मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ, दूसरे नंबर पे स्कूल था तो स्कूल पे, इस तरह तीसरे चौथे और आखिर में जो 12 नंबर पे है, इस तरतीब से सारे लिखो। और फिर ये नीचे डन नज़र आ रहा है, डन पे क्लिक करो तो आप लोगों के अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास तो ये पुराना अकाउंट है तो ये इस पुराने अकाउंट को मैं यूज़ करता हूँ। अब तो अकाउंट बन गया, लेकिन अब हम जो है इसमें रकम कैसे ट्रांसफ़र करें, BNB, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जो भी आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हो दूसरे एक्सचेंज से या दूसरे वॉलेट से, तो आसानी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग जो है स्मार्ट चेन पे या पहले नंबर पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है स्मार्ट चेन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने स्मार्ट चेन पे जो है BNB को ट्रांसफ़र करना है क्योंकि अब हम लोग जो है वो कॉइन जो है वो बाई करेंगे, तो इसके अलावा जो है वो दूसरे से नहीं होगा। और यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे तो रिसीव पे मैं क्लिक करूँगा। और ये नीचे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो ये एड्रेस दिया गया था, ये कॉपी हो गया। मेरे पास तो बाइनेंस अकाउंट है, बाइनेंस चेन मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बाइनेंस से इस पे जो है वो BNB को ट्रांसफ़र करूँगा। आप लोग के पास जो भी हो
FTX और OKX जो भी है आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, बस सेम प्राइसेस है। तो अब मैं बाइनेंस पे क्लिक करता हूँ, तो बाइनेंस पे आने के बाद मैं वॉलेट पे आ जाऊँगा और फिर मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ से हम विड्रॉ करते हैं और वहाँ पे रिसीव करते हैं। और ऊपर सर्च में मैं लिखूँगा BNB और यहाँ से आप लोग जो है जो एड्रेस आप लोगों ने कॉपी किया था वह ऊपर जो है पेस्ट करो। तो मैंने वो जो एड्रेस पेस्ट किया, अब यहाँ पे रकम लिखो जितना आप लोगों ने ट्रांसफ़र करनी है 0.5। अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ और यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करूँ तो ये जो है 1-2 मिनट में आप लोगों जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। तो हम जो है ट्रस्ट वॉलेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास तो 11.18 डॉलर मौजूद है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो कॉइन बाई करने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें ट्रस्ट वॉलेट के रिलेटेड जो है वो क्लियर करें कि पहले हमने ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाएंगे और इस पे जो है वो रकम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे एक्सचेंज से या दूसरे वॉलेट से। अगर आप लोगों ने प्री सिग्नल को ज्वाइन करने हैं तो टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।